हेलो गाइस, वेलकम टू वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल हाइकिंग ट्रेल्स। वेलकम टू हम्टा ट्रैक। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप सब। हम निकल रहे हैं अब हम्टा ट्रैक इस सफर में। सो हमारे साथ इस सफ़र में डिफरेंट ये होने वाला है आप लोगों के लिए कि आप जिसको भी देखेंगे वो हम्टा बेस कैंप तक गाड़ी लेके जाते हैं, बट हम वहाँ तक भी पैदल जाएंगे क्योंकि उस बीच में आने वाला पांडुरोपा, सीथन वैली और आसपास के इलाके जो बहुत ही खूबसूरत हैं उनको हम डिटेल में कवर करते हुए जाना चाहते थे। इसलिए हमने प्लान किया कि हम स्ट्रेट फॉरवर्ड मनाली से ही पैदल जाएँ हम्टा वैली के लिए और हम्टा ट्रैक फिर वहाँ से शुरू करें। मनाली से हम्टा वैली, हम्टा बेस कैंप लगभग 17 किलोमीटर दूर है पैदल और लगभग 5 घंटे दिखा रहा है मैप्स में। सो लेट्स गो। मनाली के बाद प्लीनी गांव पहुंचते ही वहां के राम मंदिर में सिर झुकाकर आगे बढ़ने पे हमने देखा कि वहाँ पर मंदिर में एक त्यौहार मनाया जा रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली हमें वहाँ शूटिंग करने के लिए मना कर दिया गया। बट वहाँ पर माथा टेक के फिर हम आगे बढ़े अपने सफ़र पे। मनाली के इस प्लीनी गांव के संकरे रास्तों से आगे बढ़ते बढ़ते हम जंगल की तरफ बढ़ने लगे। सो चलते चलते मैं आपको इस ट्रैक के बारे में बताना चाहता हूँ हम्टा पास। सो मनाली से ये ट्रैक शुरू हुआ जैसे कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और उसके बाद हम प्लीनी गांव पहुँचे क्योंकि हम पैदल ही चले गए। सो प्लीनी गांव के बाद जंगल शुरू होगा, जंगल में आगे बढ़ते बढ़ते सीथन वैली आएगा, सीथन विलेज यानी कि। उसके बाद एक जगह आएगी जिसका नाम है जोबरा। उसके बाद हमें वहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद हम पहुँचेंगे चिक्का। वो चिक्का को यहाँ पर जितने भी ट्रैक करते हैं वो ऑफिशियली बेस कैंप मानते हैं जितना मैं जानता हूँ। फिर वहाँ पे एक रात बिताने के बाद अगले दिन वहाँ से ट्रैक शुरू किया जाता है और फिर आगे बढ़ते रहेंगे हम। तो इसका फाइनल डेस्टिनेशन है छत्रु, जो स्पीति में है। स्पीति में छत्रु के बाद भी कई लोग ट्रैक को कंटिन्यू करते हैं और चंद्रताल तक लेके जाते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि ये मतलब कि सही है क्योंकि चंद्रताल तो बंदा नॉर्मली कहीं से भी जा सकता है, तो उसे इतना लंबा ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि छत्रु पहुंचने के बाद तो वैसे भी हाईवे आ जाएगा। सो मुझे नहीं लगता कि डायरेक्ट वहां तक चंद्रताल तक इस ट्रैक को किया जाना चाहिए। ये छत्रु तक ही मैं समझूँगा कि एक एक्चुअल ट्रैक है। सो फिर करते हैं सफ़र की शुरुआत। ये कुछ अश्व मानव आ रहे हैं। ये जगह हमें बहुत अच्छी लग रही है और यहाँ पे एक ढाबा भी है, तो हम सोच रहे हैं कि खाना खा के ही निकलें यहाँ से आगे की ओर क्योंकि अभी उस कोने तक हमें पहुँचना है। लेट्स सी यहाँ क्या क्या मिलता है खाने को। मैंने बताया नहीं आपको, इस सफ़र में मेरे साथ है मेरे वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड नरेंद्र शर्मा। आप देख सकते हैं भाई साहब बैठे हैं और ये प्लेस भी काफ़ी अच्छा है बैठने के लिए। सो हमने यहाँ लंच करने का प्लान कर लिया है। ओके, लंच हो गया है और हम आगे बढ़ रहे हैं। अब ढाबे वाले अंकल ने बताया कि यहाँ ऊपर एक नाग देवता रहते हैं। हे होला होला मैन,
Hola, man. We are out to... What was the other? Hamta Valley ki taraf, reaching near Sithan, and you can see a very beautiful spot over here. Ooh. So अब पहुंच चुके हैं हम सीथन से थोड़े से आगे. इस जगह पे विंटर्स में इग्लूज लगाए जाते हैं और यहाँ पे काफ़ी और विंटर स्पोर्ट्स भी होते हैं जैसे स्नो वॉक. यहाँ पे इग्लू लगाए जाते हैं. इग्लू का कंसेप्ट अभी हिमाचल में शायद यहीं होता है और कहीं नहीं. इस पूरे एरिया में इग्लू लगाया जाता है. ये एरिया देख सकते हैं आप कितना सुंदर है और यहाँ पे प्लेन ग्राउंड्स भी हैं, ग्राउंड जैसा एरिया भी है जिससे कि पॉसिबल होता है अच्छे से बना पाना इग्लू को. दिस प्लेस इज अमेजिंग, लिटरली अमेजिंग. देख सकते हैं कितना प्लेन एरिया है इधर. इन वादियों को देख के लगता है जैसे कि हमेशा यहाँ पे रह जाए. बेहद खूबसूरत, बेहद शांत और यहाँ आसपास कोई नहीं है. एक अबैंडेंड ट्रक है. इस इलाके में भी कई हाइड्रो प्रोजेक्ट्स चलाए हुए हैं, उनके टनल्स वगैरह यहाँ पे देखने को मिलता है. जैसे कि आप देख सकते हैं नार के ढेर लगा के. अच्छा, जय श्री चंद्र, हर हर महादेव. तो अब हम पहुंचने वाले हैं पांडुरोपा के पास, जिस जगह के बारे में मैंने आपको काफ़ी देर पहले बताया था कि हम उस जगह को गौर करना चाहते हैं. तो अब मैं आपको बताने वाला हूं इस जगह की स्टोरी. क्या है पांडुरोपा? तो चलते हैं पांडुरोपा की तरफ. अच्छा, जा सकते हैं यहाँ से? अभी गया उनको देखा था मैं. अच्छा, पांडुरोपा में आपका स्वागत है. ये देखिए, यहाँ एक ग्राउंड है. तो मैं आपको पांडुरोपा की कहानी सुनाने वाला था. तो पांडुरोपा इस जगह पे महाभारत काल में पांडव रहा करते थे और यहाँ पर वो धान बीजते थे. इस लेक के बनावट को देख के लगता भी है कि यहाँ पे कुछ बीजा जाता होगा. और जब धान पक जाते थे तो वो उन्हें यहाँ से डायरेक्ट फेंक के बिरगू लेक पहुँचाते थे ताकि वो वहाँ पर जब जाएँ तो वो उसे यूज़ कर सकें. Hey.
यहाँ पर एक गुफा भी है जहाँ पे अंदर शिव की पूजा करते थे वो, तो हम गुफा की तरफ बढ़ रहे हैं। तीन लोग और दिख रहे हैं वहाँ पे, शायद वो भी घूमने आए हैं। ये है जी गुफा का एंट्री, नीचे पांडुरूपा। आप लोग आए कभी इधर सर? और आए हैं? नीचे वो ग्रंथ। नहीं, यहाँ पहली बार। इसके अंदर खोलो खोलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो है। ठीक है, देखो सामान रख लेते ना। किसी लेक सा दिखता है। वेलकम टू पांडुरूपा। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। इस जगह के बारे में आपको मैं नहीं बताना चाहता। चट्टान ठीक हुआ इधर भाई इसका। यही आते कश्मीर इधर चट्टान। और इसी तरह हम आगे बढ़ते रहे पैदल इस लंबे सफर पे, इस उम्मीद में कि हम पहुंचे बेस कैंप हमटा पास का। आप लोग भी आ जाएंगे अब चैनल में? कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम लोग देखने जा रहे हैं। क्या प्रोजेक्ट? अच्छा, प्रोजेक्ट के लिए आए? हाँ। अच्छा, मैंने सोचा टूरिस्ट है आप लोग। नहीं नहीं नहीं, टूरिस्ट नहीं, ऐसे देखने आए, काम करने वाले हम लोग यहीं पे चेतन गांव में काम करते हैं। अच्छा, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। और देखते हैं यहीं से वापस जाएंगे और नहीं आगे जाना है। अच्छा, नहीं मेरे को लगा ना वो गुफा में भी आए थे। देखो ऐसे करके उस पार में गया है। क्या तार ऐसे करके गया? अच्छा, ये तार लगा रहे हैं आप लोग? नहीं नहीं, लगाने क्या कर रहा है ये तार को? वहाँ बंदे पत्ता लाल झंडी है पता नहीं यार। हाँ, तार जैसा दिख रहा है वाकई मेरे को यार। हाँ, ये जो है ये यहाँ एक चढ़ने का है ना लिफ्ट है। हाँ, यहाँ से उस तार को वहाँ जा रहा है, वो जा रहे तार वो पहाड़ में जा रहा है। वहाँ एक लाल झंडी दिख रहे हैं, लगता है वहाँ कुछ है। होता है बड़ा कुछ इधर, इन के होते देवता दुखता होते हैं। कोई गया है वहाँ? इससे पीछे को ब्रेगू पड़ जाती है ना, ब्रेगू लेक वगैरह। अच्छा, तभी तो ये तो पूरा खाली पत्थर है, चढ़ने का नहीं है ना। कैसे कैसे किया है तार हेलीकॉप्टर से पता नहीं भैया। अच्छा, आप लोग क्या काम करते हैं? बिल्डिंग बना रहे हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ पे बिल्डिंग बनेगी? नहीं, वो पीछे चेतन गाँव में। चेतन में बनता है? अच्छा अच्छा, चेतन में बना रहे हैं। आप भी इन्हीं के साथ हैं? हाँ सर, काम करने वाला है। हम लोग तो मनाली से आते हैं, एक बंदे यहाँ है। अच्छा अच्छा, हम भी आ गए देखने। नहीं नहीं यार, बढ़िया है बढ़िया। काफी टाइम से हो गया। हाँ, मनाली काफी टाइम से। आज पहली बार आए थे? हाँ, पहली बार। सफर की अच्छी बात ये होती है कि आपको और मुसाफिर भी मिलते हैं और कई किस्से कहानी सुनने का मौका मिलता है, सुनाने का मौका मिलता है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरत वैली है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। लाइक दिस इज़ वन ऑफ द ब्यूटी मोस्ट ब्यूटीफुल ब्रिज ओवर हियर इन द वे टू हमटा पास ट्रैक। यू कैन सी इन द सीथन मनाली रोड टू हमटा वैली, यू कैन सी इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ओवर हियर। पहुँच चुके हैं हम बुईजार नाम की जगह पर, हमटा वैली से थोड़ा सा पीछे ही है ये जगह। हमटा ट्रैक शुरू होने से पहले बुईजार, हाँ भी घोड़ो खाना खा रहे हो? खाओ खाओ, मजे करो। तुम लोग बहुत सुंदर हो यार। फाइनली हमटा के ग्लिम्स दिख रहे हैं। सो दिस इज द फर्स्ट ब्रिज जो दिखने लग गया है। चीका के नजदीक पहुंचने वाले हैं। दिस इज समथिंग ब्यूटिफुल, दिस इज ब्यूटिफुल, दिस इज ब्यूटिफुल, दिस इज समथिंग अमेजिंग, दिस सीनरी इज अमेजिंग।
can see, I can imagine the vastness of the mountains. Finally, we are reaching towards the Chika, the base camp of Hamta Trek. Thoda sa raab. हेलो गाइस, दिस इज सुधीर नेगी और हम पहुंच चुके हैं चिक्का पॉइंट पे। चिक्का एक जगह का नाम है जहां से थोड़ी दूरी पे हमटा पास शुरू होता है। ये सीतन से थोड़ी दूर है, सीतन वैली, सीतन विलेज जो भी आप बोलना चाहें। सीतन वैली के बाद आता है ये प्रोजेक्ट, उसके बाद ये चिक्का, और ये उसके बाद शुरू हो जाता है आपका हमटा पास। आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल वेदर। Something which is very awesome over there. Hello everyone, this is Himalayan Mystic exploring the Hamta Valley, Sitan Valley and the great Himalayan. Beautiful weather with the beautiful and awesome person. This guy is awesome. Beautiful weather and the team Himalayan Mystic is over here. You can see the beautiful weather. That's a very good dialogue.